बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मनोरथराम रोडी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि देश भर के अंदर 64 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने, साथ ही महाराष्ट्र की 290 सीटों के ऊपर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा के अंदर विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं उन सभी सीटों पर, लेकिन जो 64 सीटें हैं देश भर की उनमें उपचुनाव हो रहे हैं। और कई सारे साथियों ने मुझे एक चीज पूछी कि बहुजन समाज पार्टी इन तमाम सीटों में से कौन सी सीट पर सबसे ज्यादा मजबूत नजर आपको आती है, मतलब क्या जो तैयारी चल रही है उस हिसाब से इन विधानसभा की सीटों पर कैसी तैयारियां चल रही है। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर 11 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें से एक जलालपुर की जो सीट थी वो अब तक बहुजन समाज पार्टी के ही खाते में थी। बहुजन समाज पार्टी के यहां से जो विधायक थे रितेश कुमार पांडे, उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीट उनके ही खाते में थी और यही उनके हाथ से निकलती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए अपने आप में एक सोचने का विषय शुरू हो जाएगा, मंथन का दौर भी शुरू करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक की समझ में आए, उत्तर प्रदेश एक अलग बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से माना जाता रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जन्म कर्म स्थली पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश से ही बहुजन समाज पार्टी राज्य राष्ट्र स्तरीय पार्टी बनी है, वहीं पर उनकी सरकार रही है। तो इन जो 11 सीटें हैं वहां पर तो बहुजन समाज पार्टी टक्कर में ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी उसे पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर धकेल दे, कहीं एक नंबर पर रहेगी, कहीं सेकंड नंबर पर। तो इन 11 सीटों पर तो अलग अलग सिचुएशन है, इन सिचुएशन के अनुसार प्रत्याशी वो तमाम सीटों को देखें तो एक अलग अलग मसला निकलता है। उसी तरीके से बात करें, अभी 11 जो सीट, एक सीट का चुनाव नतीजा आया है, उस सीट की अगर हम बात करें तो उस सीट के नतीजे से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ना केवल तीसरे नंबर पर पहुंची लेकिन उसका वोट परसेंट भी डाउन हुआ बहुत ज्यादा, 50% से ज्यादा उसकी वोट परसेंट में डाउन आया है। लेकिन आपको बता दें कि एक सीट है वहां पर बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा सकती है और वो है पंजाब की फगवाड़ा। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने पीडीए यानी पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और वहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान उसको अच्छे खासे वोट प्राप्त हुए थे और तीन ही सीट पर वो चुनाव लड़ी थी और यूपी के बाद सबसे ज्यादा वोट पंजाब में ही, अगर सीट के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा वोट उन्हें मिले थे। इस हिसाब से देखें तो पंजाब की जो फगवाड़ा सीट है वहां से बहुजन समाज पार्टी को काफी 80 उम्मीद लगाई जा सकती है और बहुजन समाज पार्टी की सीट निकाल भी सकती है। कल नामांकन रैली के दौरान भी बहुजन समाज की द्वारा जो यहाँ पर नामांकन दर्ज किया गया था, भगवान सिंह सिद्धू ठेकेदार को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है, तो उनकी तरफ से बहुत ही शानदार रैली निकाली गई, बहुत भारी तादाद में लोग थे। इसके बाद टक्कर पूरी तरीके से यहाँ मानी जाएगी और टक्कर हो तो नहीं लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर सम्मानजनक स्थिति में जरूर रहेगी और चुनाव निकाल भी सकती है। मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।